नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में विधायक टूटने की जो सियासत है वो तेज़ हो चुकी है। आज एक बार फिर आरजेडी के तीन विधायक जेडीयू का दामन थामेंगे, जिसमें से बड़े चेहरे के रूप में चंद्रिका राय को देखा जा रहा है। चंद्रिका राय लालू प्रसाद यादव के समधी हैं, ऐश्वर्या राय के पिता हैं। जब ऐश्वर्या राय की शादी तेज प्रताप यादव से हुई थी, उस वक्त कयास लगाए जा रहे थे कि संबंध जो है वो और मधुर हो गए। पहले दोस्ती तक बात थी, अब संबंधी हो गए। लेकिन उसके बाद फिर जब रिश्ते बिगड़े, ऐश्वर्या राय प्रकरण में आपको पता है चंद्रिका राय काफ़ी मुखर होकर राजद परिवार का खिलाफत करते हुए दिखे, और ऐसे में अब आज वह जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। दोपहर 2:30 बजे बताया जा रहा है जेडीयू कार्यालय में उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी। इसके साथ हम बात करें फराज फातमी हो, जो कि क्यूटी से विधायक हैं, अली अशरफ फातमी के बेटे हैं, वो भी आज जदयू के दामन थामेंगे। इसके अलावा रामलखन सिंह यादव के पोते जयवर्धन यादव भी आज जदयू की सस्ता लेंगे। ऐसे में चंद्रिका राय जब राजद में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बातें जो हैं वो अब खुलकर चुनाव के वक्त सामने आ सकती हैं। ऐसे में पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो, इन सारे प्रकरण में दोषी चंद्रिका राय को मान रहे हैं। क्या कुछ करें, जरा सुनिए। मैं तो पहले भी कहा कि देखिए, चंद्रिका जी ने बहुत बड़ी भूल की थी कि एक अब्रॉड में पढ़े लिखी बच्ची की शादी कहाँ करना है। आप दरोगा रहे कि पोती की शादी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम लालू यादव जी के बेटे से ही करें। चंद्रिका रहे कि पोती की शादी किसी एक सीजन पर्सनैलिटी जिसको लाइकिंग लाइक्स तो होगा ना, आप लाइकिंग को इतना गैप रख दीजिएगा। लालू यादव जी के बेटे अच्छे या खराब, मैं उस पर नहीं आऊंगा, लेकिन लड़की लड़का का लाइक्स को आप खत्म कर दीजिए और उसको सियासत और राजनीति का हिस्सा बना दीजिए, तब तो व्यक्तिगत रिश्ते का कोई औचित्य ही नहीं है। इसमें चंद्रिका जी ने, मैं इतना कह सकता हूं, उसने जितनी बड़ी भूल की है वो माफी के योग्य नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी के साथ सौदा किया, पॉलिटिकल सौदा नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, ये ठीक नहीं है। और उसके बाद आप विचारधारा पर अलग नहीं हो रहे हैं, आप खुन्नस में, अहंकार में। आरजेडी से जो भी माननीय विधायक छोड़कर जा रहे हैं जेडीयू में, उनके लिए क्या कहना, उनको आगे पड़ेगा पछताना, फिर वापस घर में लौटकर है आना। नीतीश कुमार जी अपना बल, अपनी पार्टी का बल बढ़ा रहे हैं, आरजेडी के माननीय विधायकों को प्रलोभन दे करके तोड़ करके अपने पाले में ले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि 15 वर्षों में अपनी नाकामी का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। 15 वर्षों में ऐसा सत्ता में रहते हुए कोई काम नहीं कर सके जिनके बल पर उनके कार्यकर्ता नेता बन सके और विधायक बन सके, तो ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार जी भयभीत हैं, जेडीयू डरी सहमी है। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने राजद के दो युवराज तेज प्रताप और तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने चंद्रिका राय को भी खरी खोटी सुनाई और कहा है कि सबसे बड़ी गलती इसमें चंद्रिका राय की है। देखने वाली बात यह है कि टूटते हुए विधायक की सियासत में अब अगली बारी किसकी आती है। क्या आरजेडी भी अब जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़कर अपने पाले में करेगा, क्योंकि श्याम रजक को उसने अपने पाले में कर लिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।